राजनाथ सिंह आज सियाचिन के लिए रवाना हुए हैं। सीमा पर आतंक के खिलाफ जारी तैयारियों का जायजा लेंगे। बेस कैंप पहुंचेंगे, सेना का बेस कैंप है सियाचिन में, वहां पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री बनने के बाद यह पहला दौरा है राजनाथ सिंह का। सियाचिन के दौरे के लिए रवाना हुए हैं, फील्ड कमांडर और जवानों के साथ बातचीत करेंगे। देश के नए रक्षा मंत्री के तौर पर सियाचिन पहुंचेंगे। सियाचिन ग्लेशियर को विश्व के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर, आज सियाचिन पहुंचेंगे, रवाना हो चुके हैं। सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र के तौर पर सियाचिन को जाना जाता है। बेस कैंप पे पहुंचेंगे, सेना का बेस कैंप है सियाचिन में, वहां जाकर कमांडेंट और फील्ड ऑफिसर्स के साथ तमाम जवानों से बातचीत करेंगे। पदभार संभालने के बाद पहली बार सियाचिन के लिए रवाना हो रहे हैं। राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर पहला दौरा है सियाचिन का। सीमाओं पर आतंक के खिलाफ तैयारियों का जायजा लेने के लिए सियाचिन पहुंच रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर, जो सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, वहां पर पहुंच रहे हैं आज राजनाथ सिंह। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, पहला दौरा रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह का सियाचिन। देखिए, और रक्षा मंत्री के बाद राजनाथ सिंह आज सियाचिन के दौरे पर हैं। 12,000 फुट की ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री इसके अलावा लिए हैं सेना की 12वीं कोर और श्रीनगर में 15वीं कोर के मुख्यालय पाकिस्तान से सुरक्षा हालात की जानकारी क्योंकि सफाई के लिए चल रहे अभियान है और उसकी भी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो रक्षा मंत्री का ये काफी महत्वपूर्ण जोड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख सबसे पहले लद्दाख में जो सबसे ऊंचाई पर मौजूद हवाई अड्डा है उससे वहां पहुंचेंगे और एक ऑपरेशन वहां पर बेस जाएंगे जहां से ऑपरेशन चलाया जाता है सियाचिन से, और उसमें वो वहां पर जायजा लेंगे। हेलीकॉप्टर से सियाचिन ग्लेशियर जाने का कार्यक्रम है रक्षा मंत्री का, और वहां वो सेना के फील्ड कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा होगा, जबकि रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह वहां का विजिट करने वाले हैं और एक मैसेज देने वाले हैं कि जो सेना में तैनात है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो वहां जा रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज वो देना चाहते हैं। रक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद, पिछली सरकार में वो गृह मंत्री थे लेकिन नई सरकार में उनकी जिम्मेदारी बदल गई है, ऐसे में सेना का और जो सैनिकों का हौसला अफजाई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जाने जाते हैं उस अंदाज में अब रक्षा मंत्री अपना कामकाज आगे बढ़ा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं सियाचिन से। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।